हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 17 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किम जी ने अपना लव जो निंग के सामने कॉन्फेस किया था वो रिकॉर्ड हो गया था और अब मिस्टर ही को भी पता चल गया था कि किम जी उसे लाइक करती है। फिर किम जी जल्दी से मिस्टर ही के पास से उठकर चली जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे और मिस्टर ही भी पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा। वो आखिरकार हिम्मत करके बाहर आ जाती है। मिस्टर ही के ब्रेसलेट पर भी हार्ट बन जाता है। अब किम जी को क्या पता कि मिस्टर ही भी तो उसे लाइक करता है। बस अभी तक उसने अपना लव किम जी से कॉन्फेस नहीं किया था। किम जी के ब्रेसलेट पे भी लव वाला सिग्नल शो होता है और फिर एट लास्ट किम जी को अपना फोन भी मिल जाता है। वहां से जाते हुए किम जी समझती है कि हो सकता है मिस्टर ही उससे कुछ पूछ ले, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछता तो किम जी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर ही रिलीफ फील करता है। दूसरी तरफ बैंक को बैठा होता है तो वहां पर मिस्टर ही भी उसके पास आता है। उसको यूं अचानक देखकर वैन वो हैरान हो के उससे पूछता है कि खैरियत तो है, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मिस्टर ही उसे बताता है कि किम जी मुझे लाइक करती है। तो ये सुनकर वैन गो का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है और साथ में उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर किम जी भी घर आकर रो को बताती है कि उसने मिस्टर ही से अपना लव कॉन्फेस कर लिया है। ये सुनकर तो रो भी खुश हो जाती है और क्यूरियस होकर उससे पूछती है कि मिस्टर ही ने फिर कोई रिस्पॉन्स दिया है या नहीं। तो किम जी सैड हो के उसे बताती है कि उसने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया है। फिर किम जी कहती है कि मिस्टर ही ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो मीन वो मुझे लाइक नहीं करता है और अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर टर्मिनेट कर देगी। लेकिन रो उसे ये सब करने से मना करती है। किम जी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ मिस्टर ही वैन वू से कह रहा होता है कि किम जी मुझे लाइक करती है, लेकिन वो तो यही समझ रही होगी कि मैं उसे लाइक नहीं करता और ये बात उसके लिए काफी पेनफुल होगी। उसके बार बार दोहराने से वैन गो उससे काफी इरिटेट होता है और फिर मिस्टर ही से कहता है कि तुम्हें भी उसे अपना लव कॉन्फेस करना चाहिए था, वो तो समझ रही होगी कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कह रही है और निंग भी इस बात से फायदा उठा सकता है। लेकिन मिस्टर ही उसे इन सब बातों की फिक्र ना करने को कहता है और साथ में बड़ा एटीट्यूड के साथ उसे ये भी कहता है कि मुझे पता है कि किम जी निंग को लाइक नहीं करेगी। वो कॉन्फिडेंट होता है कि किम जी सिर्फ और सिर्फ उसे ही लाइक करती है। अगली सुबह निंग किम जी को माउंटेन विला ले जाने के लिए आता है और फिर यहाँ पर किम जी श्याओ पाओ को भी कॉल करके माउंटेन विला पे आने को कहती है और वहाँ पर श्याओ पाओ भी फटाफट मिस्टर ही को कॉल करता है और किम जी के माउंटेन विला जाने का बताता है। तो मिस्टर ही भागा भागा घर पहुँचता है तो आगे से हमारे इंटेलिजेंट और क्यूट से श्याओ पाओ ने तो पहले से ही पैकिंग कर रखी होती है और फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ही भी माउंटेन विला पहुंच गया होता है। किम जी उसे देखकर हैरान होती है कि ये यहाँ भी आ गया। फिर बाद में किम जी और निंग साथ में बैठे होते हैं तो मिस्टर ही भी पीछे कैसे रह सकता था, वो भी उन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है और जब निंग बास्केटबॉल नेट लगा रहा होता है तो जेलिसी के मारे मिस्टर ही उससे लेकर खुद लगाने लग जाता है और वो लटकाने की इतनी जल्दी करता है कि वो तो उसको उल्टा ही लगा देता है। फिर जब किम जी वहां से जाने लगती है तो मिस्टर ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे कुछ कहने ही लगता है तो किम जी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जो मुझे रिफ्यूज किया था उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि कोई बात नहीं कि अगर तुमने मुझे रिफ्यूज कर दिया है
और साथ में इशारा करके एक टीचर को दिखाती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। इवन के वो उसके पास भी जाती है और जब वो उससे बात करती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उस टीचर की तो एक वाइफ भी है, तो मिस्टर ही उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास आता है और उनको श्योर करवाता है कि ये तो मेरी वाइफ है। और फिर किंची और मिस्टर ही साइड पे हो के बात करते हैं, तो मिस्टर ही उसे कहता है कि तुम इन मैन से दूर रहा करो क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है, तुम अभी तक मेरी मिसेज ही हो। तो किंजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और अंदर आकर वो रॉ से बात करती है कि मिस्टर ही आकर उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो रॉ उसे कहती है कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें लोगों के सामने अपनी वाइफ शो करवा रहा है, ये अच्छी बात है, सो तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ मिस्टर ही और निंग को देखते हैं, तो यहाँ पर निंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम किंजी को लाइक करते हो, तो मिस्टर ही कहते हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरी वाइफ है और साथ में उसे ये भी अश्योर करवाते हैं कि मैं उसके साथ हरगिज भी ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर निंग उसे एडवाइस देता है कि उसे अब किंजी से अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, अगर वो उसे लाइक करता है तो अगर लाइक नहीं करता तो वो फिर भी उसे ये बात बता दे, और उसे बताता है कि वो भी किंजी को लाइक करता है। तो मिस्टर ही उसे कहता है कि वो ये बात किंजी को बता दे कि तुम भी उसे लाइक करते हो, लेकिन निंग इस बात के हक में नहीं होता। उसे पता होता है कि किंजी सिर्फ मिस्टर ही को ही लाइक करती है, इसलिए वो उसकी वजह से किंजी को हार्ट नहीं दे सकता। लेकिन मिस्टर ही उसे आगे से कहते हैं कि तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वो वहां से उठकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेंगू रात को देखते हैं कि मिस्टर ही का ड्राइवर, जिसको मिस्टर ही कब से ढूंढ रहा है, वो मिस्टर ही की आंट से बात कर रहा होता है। तो मिस्टर ही की आंट उसको बहुत ज्यादा मनी देती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि उस रात वाले एक्सीडेंट में मिस्टर ही की आंट का ही हाथ था, दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर था। ये सब खड़ा वेंगू भी देख रहा होता है और यहाँ पर वो ड्राइवर वेंगू को भी देख लेता है और फौरन से वहां से भाग जाता है। मिस्टर ही की आंट भी वेंगू को देखकर जल्दी से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ श्याओबाओ और किंची बैठे होते हैं, तो किंची श्याओबाओ से पूछती है कि क्या मॉम प्रीटी है, तो श्याओबाओ भी हाँ में सर हिला देता है। क्यूट सा श्याओबाओ। इतने में मिस्टर ही भी उनकी बातें सुनकर वहां पर आ जाता है और फुल पर्सनैलिटी के साथ श्याओबाओ से पूछते हैं कि क्या डैड भी हैंडसम है, तो श्याओबाओ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और जब मिस्टर ही वहां से जाने लगता है तो किंजी मिस्टर ही को अपनी टांग आगे करके गिरा ही देती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हैंडसम नहीं हो। फिर बाद में किंजी श्याओबाओ को पोनी लगाती है और उससे खेलती है, तो मिस्टर ही भी खड़ा उन दोनों को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर बाद में किंची श्याओबाओ को सुलाकर वहां से जाने लगती है, तो ऊपर से मिस्टर ही भी वहां पर आ जाता है और फिर यहां पर श्याओबाओ किंची को वहां से जाने से मना करता है और फिर श्याओबाओ के कहने पर किंची सॉन्ग भी सिंग करती है। और फिर तभी मिस्टर ही को आंट की कॉल आती है और आंट भी वो सॉन्ग सुन लेती है और पूछती है कि कौन सिंग कर रहा है, तो मिस्टर ही उसे बताता है कि ये सॉन्ग किंजी सिंग कर रही है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस एक्सीडेंट वाले दिन किंजी ने श्याओबाओ की जान बचाई थी और तभी उसने ये सॉन्ग भी सिंग किया था। वो सॉन्ग मिस्टर ही की आंट जो फोन पर थी उन्होंने सुन लिया था और अब प्रेजेंट में उन्हें तो यकीन हो गया था कि उस एक्सीडेंट वाली रात किंजी ने ही श्याओबाओ की जान बचाई थी। फिर
नेक्स्ट डे स्कूल फंक्शन में श्याव बाव भी सॉन्ग सिंग करके दिखाता है। सब लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। और तभी ऊपर से मासी मुसीबते मिस लिन भी आ जाती है। इसको तो इनकी खुशियाँ हजम ही नहीं होती। फिर से रोला डालने के लिए आ जाती है और कहती है कि मैं भी श्याव बाव का ख्याल रख सकती हूँ। और फिर वो श्याव बाव को अपने साथ ले जाती है और फिर वो दोनों फिश पकड़ने जाते हैं। यहाँ पर श्याव बाऊ उसे पानी के अंदर जाकर फिश पकड़ने को कहता है। उधर किन को श्याव बाऊ की फिक्र होती है तो वो मिस्टर ही से कहकर फौरन से उनके पास जाने लगते हैं। उधर मासी मुसीबते को फिश पकड़ते हुए चोट लग जाती है। इतने में मिस्टर ही और किन जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिस्टर ही जाकर उसकी हेल्प करता है और उसको बैंडेज लगाने के लिए उठाकर ले जाता है और साथ में बेचारे श्याव बाव को भी डांट कर जाता है। तो किन जी उसे यूं श्याव बाव को क्रिटिसाइज करने से मना करती है और फिर मिस्टर ही उसे मासी मुसीबते को वहां से लेकर चला जाता है। फिर बाद में वो मिस लिन से कहता है कि अब मैं यही सोचता हूं कि हम दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे। फिर जब वो बाहर आता है तो वहां पर श्याव बाव खड़ा होता है और फिर यहाँ पर उसका ब्रेसलेट भी डेंजर जोन देता है। फिर वो श्याव पाव से पूछता है कि मॉम कहाँ है, तो वो बताता है कि वो फिश पकड़ रही है। तो मिस्टर ही वहाँ से जल्दी में चला जाता है। दूसरी तरफ किनची स्नेक से डरी खड़ी होती है और वह किनची उन स्नेक्स को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो इतने में मिस्टर ही भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 17 ख़त्म हो जाती है।